Welcome back to the channel. Today, we're gonna have a talk about a very serious and alarming topic. And I made this topic before, not related to fishes, but yeah, I made turtle the same. So, guys, let's start off with today's episode. गो आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल कि डाल लेक में एलिगेटर गार्ड पाया जा रहा है ना मैनी ऑफ यू विल से कि इसमें प्रॉब्लम क्या है पाया गया है मिलेगा हटा देगा दी एंड प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बस मिला ही ऐसा बात नहीं है ये तो एक केस आपको बता रहा हूँ अभी देर आर मेनी केसेस इवन इन कोलकाता वेर आई एम स्टेइंग ओवर यहाँ पे ऐसे ही वाटर बॉडी में वी फाइंड लॉर्ड अ मॉन्सटो फिश एंड एग्जॉटिक फिशेज ना इस पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इंडियन स्पीशीज़ इंडियन स्पीशीज़ ऑफ फिशेज या फिर कोई भी वाटर लाइफ हो चाहे वो टर्टल हो या फिर कुछ भी हो ठीक है ये सब एक्जॉटिक या फिर नॉन नीटिड स्पीशीज़ पूरा बर्बाद कर देता है बर्बाद माने क्या वेन एवर यू आर रिलीजिंग सच सच स्पीशीज़ इन द वॉटर बॉडी वो लोग सब कम्यूनिटी को वहाँ पर जो जो मछली है इंडियन स्पीशीज़ का उन लोग को खा जाता है डिस्टर्ब कर देता है

हम लोग का भी ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड पेट कीपर्स आउट देयर कि इसको बचाया जाए हम लोग मिनिमम चीजें क्या कर सकते हैं कि ये सब पागलपंती ना करें रिलीजिंग ऑल दिस टाइप ऑफ फिशेज इन द वाइल्ड एंड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग डज मेक एनी सेंस दिस इज द रिजल्ट ऑफ इरेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ क्या होता है कि uh, जब एक मॉन्स्टर फिश या फिर ऐसा आकर्षणीय मतलब वी गेट सम वी गेट टू सी ऑल दिस टाइप ऑफ एक्जॉटिक फिशेज वी गेट वेरी अट्रैक्टेड हम लोग रख देते हैं एंड वी आर नॉट इवन अवेयर कि हम लोग कौन सा मछली पाल सकते हैं विच फिशेज वी कैन नॉट कीप विदाउट डूइंग आवर रिसर्च सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू डू रिसर्च ऑफ वॉट फिश वी आर प्लानिंग टू कीप अभी यह भी एक प्रॉब्लम हो चुका है कि मतलब ऑलमोस्ट लॉट ऑफ फिशेज आर अवेलेबल लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन इंडिया विच माइट बी ए नॉर्मल पीपल कैन कीप जैसे कि एग्जाम्पल आई विल टॉकिंग अबाउट एरापाइमा। एरापाइमा एक नॉर्मलियम फिश है, एक aqu that's not even an fish. बहुत लोग बोलते हैं मेरे एक्वेरियम में जो 8.5 फाइव फीट का एक्वेरियम है वहां पर बोलते हैं कि एरापाइमा रखो एरापाइमा कुछ दिन बाद ही एट पॉइंट फाइव हो जाएगा तब हम क्या करेंगे दैट्स बेसिकली अ पॉन्ट फिश अब सबको मतलब ये पॉसिबल नहीं होता है एक एरापाइमा रखना या फिर ऐसा बड़ा स्पीशीज़ का मछली रखना बट एज इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया एज इट इज बेट अफोर्डेबल इन इंडिया लोग खरीद लेता है ख़रीदना इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट थिंग कि मतलब खर, मतलब पैसा है तो खरीद लिया इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड कि हम लोग को खरीद के ऐसा रख लिया फिर कुछ दिन बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तब क्या यू हैव वन फीट टैंक टू फीट टैंक मान लिया पाँच फीट का भी टैंक है तुम्हारे घर पर एंड द फिश इज ग्रोइंग विथ साइज ग्रोइंग 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 ग्रो के एक टाइम जब आ जाता है वो मछली हिल भी नहीं पाता है देन यू फील बैट कि मतलब क्या किया जाए आप खिला रहे हो ये कर रहे हो खाने का भी तब रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है आप खाना कम देंगे तो दूसरा मछली को मारेगा ये भी बहुत बड़ा बात है सो वॉट हैपन्स इज दैट द साइकोलॉजी गोज कि इसको क्या किया जाए वेन यू ट्राई टू सेलेक्ट ऑफ पीपल डोंट

वेन यू गिविंग अ टू फीट थ्री फीट एरापाइमा या फिर एक एलिगेडर गार सेलर विल भी लाइक हम दो तो सौ रुपये दो सौ रुपये देंगे ठीक है तो आपको देना है तो दीजिए नहीं तो मत दीजिए एंड दैट्स द सेलर आई डोंट ब्लेम द सेलर आप ये सुनने में बहुत गलत लगता है कि हम खरीदा था पाँच सौ रुपये में हज़ार रुपये में बट आप अभी एक सौ दो सौ रुपये दोगे दैट इज़ पर्टिकुलरली एक सेलर का डिसीजन है वो कितने में लेगा देगा क्या करेगा बट uh, तो वी फील बैड कि मतलब हम लोग इतना खिलाया इतना सालों से इतना पैसा खर्चा किया ये किया फिर अभी इतना पैसा मिलेगा क्या किया जाए यू कॉन्ट किल द फिश सो वाट्स द लास्ट ऑप्शन यू गेट यू रिलीज इट इन द वॉटर बॉडी नियर बाई यू एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू यू आर डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग टू सेव योर साइकोलॉजिकल ईगो और साइकोलॉजिकल लाइक यू नो कि मतलब मेरा लॉस ना हो जाए वेन एवर आर रिलीजिंग दिस काइंड ऑफ फिशेज यू आर मेकिंग मच मोर बिगर लॉसेस टू आवर इंडियन इको सिस्टम टू आवर गवर्नमेंट बोलो या फिर टू तो आवर नेचर ऑफ इंडिया सब कुछ कोलकाता में देर इज अ प्लेस नेम ढाकुआ लेक एंड ओवर देर पीपल हैव सीन एरोना स्विमिंग पीपल हैव सीन फायर हिल स्विमिंग ओवर देर इवन की फ्लावर मिला है न वो लोग वहाँ पर रहता है बट सेम चीज मतलब दे आर डिस्ट्रॉइंग एवरी थिंग जब यू नो माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आता है दिस फिश माइट डिस्टर्ब देर नेस्टिंग ग्राउंड्स या फिर जब टर्टल्स जो नेटिव टर्टल्स वगैरह जब नेस्टिंग करता है डिस्टर्बेंस हो जाता है सोचिए कि आप एक रेडियर स्लाइडर टर्टल छोड़ दे रहे हैं एंड वो दूसरा टर्टल का नेस्टिंग ग्राउंड खराब कर दे रहा है या फिर कोई पंछी है पंछी का नेस्टिंग ग्राउंड खराब कर दे रहा है दैट बिकम्स ह्यूज 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 प्रॉब्लम सो स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स प्लीज़ प्लीज रिसर्च ऑन द पर्टिकुलर फिश देखो कि आपके घर पे फर्स्ट थिंग क्या पॉसिबल है वैसा मछली हाउसिंग करना जितना मैक्सिमम यू कैन कीप यू कैन कीप ब्यूटिफुल फिशिज इन अ स्मॉल वन फीट टैंक यू कैन कीप अ ब्यूटिफुल फिश इन अ टू फीट टैंक देखो रिसर्च करो कि तुम्हारा घर पे कितना फर्स्ट रिसर्च करो घर पे अलावेंस कितना है हाँ इट्स नॉट अबाउट लाइक मन तो सब कोई करता है ठीक है बट अलाउेंस कितना है क्या है एंड डोंट रिलीज इट लाइक दिस अगर है तो फिर बेच दो किसी और को कम प्राइस में मतलब शौक है तो रख लो रख के देन वेन इट बिकम्स बिग गिव इट टू प्रॉपर्ली समन समन एल्स किसी और को प्रॉपरली दे दो बट ऐसा वाइल्ड पे छोड़ना इट्स नॉट द सोल्यूशन इट क्रिएट्स लॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम अभी इसको लेके गवर्नमेंट जब स्टेप्स लेना चालू करेगा एंड धीरे धीरे ऐसा करके अगर एग्जॉटिक स्पीशीज को ही बैंड कर दिया कुछ कुछ सो लाइक यू नो दिस विल बी एज बहुत बड़ा एक मार्क पड़ जाएगा बिकॉज देर आर लॉर्ड ऑफ एक्वेरिस्ट आउट देयर लाइक मी आई फील जो ऐसा स्पीशीज को रखना चाहता है प्रॉपरली एलिगेटर गार हो या फिर एरापाइमा हो या फिर कुछ और मछली हो मतलब मेरे लिए तो एलिगेटर गार रेटिल कैटफिश मतलब ये तो मैं मछली एकदम ही मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ बिकॉज दीज आर नॉट फिशेज यू कैन कीप जनरली मतलब उन लोग का नेचर भी अच्छा नहीं रहता है रेटल कैटफिश इज सच अ फिश विच कैन गल्प अप एनी फिश मुंह में जो फिड होगा खा लेगा सिंपल इज दैट So whenever एवर यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स इफ गवर्नमेंट स्टार्ट टेकिंग स्टेप एंड स्टार्ट बैनिंग ऑल दिस फिशेज़ तो ये सब एक सपना हो जाएगा तब बस यूट्यूब वीडियो में ही देख पाएंगे इवन कि uh, कोई भी दोस्त के पास जो एक्वेरिज दोस्त के पास अगर ये सब फिशेस रहे वो भी हम लोग देख नहीं पाएंगे सो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स ट्राई टू सेव आवर एन्वायरमेंट ऑफ इंडिया Guys I hope you have learned something from this video I'll be making more parts if possible for awareness and share this video for awareness purposes hope uh, it will create much awareness as possible guys take care bye bye see you meet you in my next episode